जिले के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में बीते मंगलवार को एनएसवाई कार्यकर्ताओं के द्वारा बीएसएस कॉलेज में अनियमितताओं को लेकर किए गए विरोध के बाद बीबीएमएस की यू के कुलपति अंजनी श्रीवास्तव ने धनबाद थाना में 6 छात्रों के खिलाफ लिखित आवेदन देकर उन पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, जिसको लेकर आज एनएसवाई के कार्यकर्ता इसके विरोध में सड़क पर उतर गए। छात्रों ने कहा कि लगातार कुलपति के द्वारा छात्रों को टारगेट कर उन्हें भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, जबकि लड़ाई आर पार की होगी। छात्रों ने कहा कि हम लोगों ने बीएसएस महिला कॉलेज गए थे, यहाँ पे प्रिंसिपल मैडम का कहना है कि हम लोगों ने तो डाटा दे दिया इंटरनल एग्जाम का, थर्ड सेमेस्टर का, और कुलपति और यूनिवर्सिटी का कहना है कि हमें डाटा मिला ही नहीं। तो ये विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय की लड़ाई है, इसमें बच्चे क्यों सफ़र करें, इसमें बच्चे का क्या दोष है? आप लोगों की गलती में बच्चे के अगर एक साल का भविष्य बर्बाद से खिलवाड़ किया जा रहा, ये तो सरासर नाइंसाफ है। इसमें हम लोग कल एनएसवाई के प्रतिनिधि मंडल ने आवाज़ जब उठाई तो एनएसवाई के प्रतिनिधि मंडल को 4 लोगों पर एफआईआर कर दिया गया, जो कि मतलब छात्रों की आवाज़ को दबाई जा रही है। और ये सरकार शायद ये भूल चुका है कि आरएसएस सरकार चली गई है और ये सरकार हेमंत जी की है। और अभी बीसी जो आरएसएस माइंडेड जो बीसी अभी हमारे जो बैठे हुए हैं, बहुत जल्द हम लोग ऊपर में बात करके इन्हें हटाने की मांग करेंगे। और जब तक बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ जब तक बंद नहीं होता, तब तक हम लोग ये लगे रहेंगे और आंदोलन हमको चालू रहेगा। जो हमसे